हल्द्वानी के वार्ड नंबर 37 और 38 के स्थानीय लोगों ने रक्सिया नाले में एक और नाले को मिलाए जाने की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन भेजा। स्थानीय लोगों का कहना था कि वन विभाग चौकी दामुआ ढूंगा से निकलने वाला नाला वार्ड नंबर 46 से होते हुए चीनपुर नाले में मिलता था। वहीं इस मुद्दे में डीएम वंदना सिंह ने रविवार चौफला वन चौकी की तरफ से बहने वाली बरसाती नदी नाले का सिंचाई विभाग, वन विभाग, एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, उपनगर आयुक्त और तहसीलदार के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश भी मौके पर पहुंचे, जहां पर बरसाती नाले को किस तरह से लोगों के घरों और खेतों में आने से रोका जाए, इसको लेकर उपाय तलाश किए गए। वहीं नैनीताल जिला अधिकारी वंदना सिंह ने कहा कि स्थानीय लोगों द्वारा भी पानी के निकासी को लेकर सुझाव दिए गए हैं, जिस पर चर्चा की जाएगी और बरसात के दौरान सिंचाई विभाग द्वारा जेसीबी मशीन भी दी जाएगी, ताकि जल भराव होने की स्थिति में पानी को चैनलाइज किया जा सके। वही विधायक सुमित हृदेश ने कहा कि नाले को उसके मूल रूप की जगह से चैनलाइज कर दिया जाए और उसको रक्सिया नाले से जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पर जल भराव की स्थिति काफी हद तक दूर हो जाएगी। यार, इस पूरे क्षेत्र का भ्रमण मैं कर चुका हूँ, मुझे जो जमीनी हकीकत है और सच्चाई है वो मुझे पता है। ये जो नाला यहाँ आता है, ये हल्द्वानी विधानसभा से होते हुए कालाडूंगी विधानसभा में इन घरों में सीधे मलबा जा रहा है। इसका जो स्रोत है वहाँ से 70 मीटर की अगर एक चैनलिंग हो जाएगी और वो रकसिया नाले में डाल दिया जाएगा, तो 80% यहाँ के जल भराव की स्थिति समाप्त हो जाएगी। बाकी ड्रेनेज एक बड़ी व्यवस्था है और बहुत बड़ा विषय है, और इसका पूर्वानुमान करते हुए जो हमारे अधिकारीगण हैं, इन्हें जनवरी से लेकर जून तक ये सारे कार्य संपन्न करा देने चाहिए। ये हमारी तात्कालिक जो राहत ये अभी देने को तैयार हैं वो ऐसा है, देखिए उसमें चेक डैम बना देंगे, उसमें क्या कहते हैं पिंजरे लगा देंगे, उसमें पत्थर से चैनलिंग कर देंगे, जेसीबी लगा देंगे, लेकिन स्थाई उसके लिए मेरी मांग है कि इन सारे नालों में सुरक्षा दीवारें बने और जो ये सड़कें जा रही हैं इनमें ह्यूम पाइप डले अथवा या फिर ड्रेनेज का सिस्टम बने और इसमें ड्रेन में जाए, क्योंकि देखिए ये स्लोप से आ रहा है पानी और नेचुरल ग्रेविटी जो पानी की है वो लेके ही नीचे आएगी और जाएगा ही जाएगा, जल भराव होता रहेगा जब तक स्थाई इसका कोई सोल्यूशन ना हो। यहाँ पिछले कुछ दिनों से समस्या आ रही थी, क्योंकि यहाँ एक दो साल पहले नहर का कवरिंग का काम हुआ है, उसके बाद जो पानी का निकास नहीं होने की वजह से लोगों के खेतों में, घरों में पानी भरने की दिक्कत आ रही है। इसका सिंचाई विभाग से हमने एक एस्टिमेट बनवाया था, सिंचाई विभाग ने उसमें टेंडर वगैरह भी कर दिया है, बट उसमें कुछ लोगों को आपत्ति भी थी और कुछ अलग जो है विभिन्न सुझाव आए थे जिससे इसका स्थायी समाधान हो सके। उन्हीं पर हम जनता के सुझाव लेने के लिए आज यहाँ मौके पर आए थे। लोगों ने बहुत अच्छे सॉल्यूशंस बताए कैसे इसका प्रैक्टिकल समाधान हो सकता है, और यही सहमति बनी है कि जो दो सुझाव हैं मुख्य रूप से उन्हीं में काम हम लोग दोनों में करें, एक समाधान के भरोसे इसमें जो है सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो दोनों तरफ विभाग काम करेगा, वन विभाग और सिंचाई विभाग इसका संयुक्त सर्वे भी करेंगे, और फॉरेस्ट प्रॉपर्टी को मिनिमम डैमेज से क्या सॉल्यूशन हम जल निकासी का निकाल सकते हैं उस पर विभाग अपना कार्य प्रारंभ करेगा। तात्कालिक के लिए यहाँ पर एक जेसीबी, हम एक्सट्रीमली हैवी अलर्ट जब भी आता है बरसात का तो यहाँ एक मशीन हमेशा रहेगी, ताकि कोई भी समस्या आए तो उसको तात्कालिक निस्तारण किया जा सके। मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि जो है जो वार्ड नंबर 37 का जो नाला है जो है वो 37-38 की तरफ को वन विभाग से कटघरिया की तरफ को मोड़ा जा रहा है। हमारी प्रशासन से यही मतलब रिक्वेस्ट है कि जो पूर्व में वो नाला जो था, हमारे जो पूर्व में जो हमारी क्षेत्रीय जनता और वहाँ के जो पुराने लोग बताते हैं कि वो नाला जो था वार्ड नंबर 46 में कुसुमखेड़ा चीनपुर की तरफ को जाता था, तो हमारा प्रशासन से यही आग्रह है कि निष्पक्ष कार्रवाई करके वो जो पूर्व में जो वो नाले को जो घेरा गया उस नाले को खुलवा के स्वतः उसका स्वरूप जो था वही रखा जाए। उसका पानी जो है 46 का पानी 37-38 में डालना तो एक अन्याय है ना। पूर्व में 46 जो वार्ड है उस तरफ में पूर्व में वो नीचे को मोड़ दिया गया है, उसको 46 की तरफ भी डाल दिया गया। ये कुछ लोगों के मतलब जो अपने भूमि का रकबा बढ़ाने के लिए और वो करने के लिए उन्होंने इसको नीचे को मोड़ दिया, 37 की ओर मोड़ दिया, वो 46 की ओर बहता था। वो क्या दिक्कत हुआ? उसमें जो नया नाले का अगर निर्माण होता, लोगों के घर टूटेंगे और आने वाले समय में 37-38 और 46 में फिर उसमें जल भराव की स्थिति फिर बने रहेगी।